नमस्कार, आईबीएन ओपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमति सक्सेना लेके चलती हूँ आज आपको गायनोकोलॉजिस्ट के पास। लॉकडाउन चल रहा है, गर्भवती महिलाओं से लेके जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उन सब तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ माएँ ऐसी हैं जिन्हें ये जानकारी लेनी है कि कैसे वो अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रख सके। इन्हीं सब जानकारियों के लिए आज मैं लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की गायनी डिपार्टमेंट की क्वीन मेरी की CMS डॉक्टर SP जायसवाल से मिला रही हूँ। क्वीन मेरी मेडिकल कॉलेज लखनऊ की गायनी विभाग की CMS भी हैं और बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर हैं। ये आपके सवालों का जवाब देंगी, आपके सवाल मैं इनसे जानना चाहती हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर SP जायसवाल आपका। COVID-19 की वजह से गर्भवती महिलाएं क्या सावधानी बरतेंगी मैम? गर्भवती महिलाएं सावधानी रखने का मतलब ये है कि अपना इम्यून सिस्टम उनको अच्छा रखे। जैसा कि हम जानते हैं कि COVID-19 की अभी कोई दवा नहीं आई है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई ऐसा कीटाणु को मारने वाला वायरस का कोई इलाज नहीं है। बेसिकली जो है मनुष्य इंसान को या आदमी को अपनी जो इम्यूनिटी को अच्छे से बना के रखना चाहिए, वही हालत गर्भवती महिलाओं के लिए भी है कि उनको इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, खान पान अच्छा रहना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और स्पेशली जो ऐसी चीज़ें, हालांकि इस समय लॉकडाउन का जमाना है तो हर चीज़ आसानी से इतनी मिल नहीं रही है, लेकिन जो भी आस पास उपलब्ध है, जैसे अगर आपको अदरक मिल रहा, हल्दी मिल रही है, लौंग इलायची मिल रही है, आपको तुलसी मिल रही है, ये सब चीज़ें जो हैं आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं। गिलोय है ये उनका, जिनका आप काढ़ा बनाकर उपयोग कर सकते हैं। अच्छा मैम, ये तो हो गई गर्भवती महिलाएं। इनफर्टिलिटी की होती है, जो माँ बनने की प्लानिंग कर रही है, वो क्या करें इस समय? इस समय मेरे हिसाब से तो अगर कोई प्लान कर रही है तो अभी थोड़ा महीने, दो महीने, तीन महीने इस गर्भ को टाला जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी इसके बारे में अभी कोई स्टडी उपलब्ध नहीं हुई है कि इस अवस्था में यदि प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे को क्या कोई असर होता है कि नहीं होता है, ये सब अभी कहना बहुत मुश्किल है। और अगर गर्भधारण की प्लानिंग कर ही रही है तो एक दो तीन महीने टालने में कोई बुराई नहीं है, उसको टाला जा सकता है। लेकिन मान लीजिए बाय द वे वो प्रेग्नेंट हो ही गई है तो उसको जैसे नॉर्मल रूटीन केसेस में होते हैं, आप फॉलिक एसिड दीजिए, हाई प्रोटीन डाइट दीजिए, मल्टीविटामिन्स दीजिए, ये सब दे करके आप उसकी इम्यून सिस्टम को अच्छा रखिए, अच्छा खाना फल दीजिए जिससे कि उसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू। अच्छा मैम, जैसे जो महिलाएं गर्भवती हो चुकी हैं, अभी रिसेंटली हुई हैं, दो तीन महीनों की प्रेगनेंसी उनकी है, तो जो प्रेगनेंसी पीरियड्स में जो टीकाकरण होता है अगर वो नहीं करवा पाए क्योंकि लॉकडाउन है, सारे बंद हैं, सारे नर्सिंग होम्स बंद हैं, तो वो क्या होगा? वो टीकाकरण अगर नहीं हो पाता है तो वो महिलाएं क्या करें? ये प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा पूछा है क्योंकि ये प्रश्न हमारे मरीज भी पूछते हैं अक्सर सब फोन पे कि मैडम हम क्या करें, कहाँ से कराएं, इस समय दिक्कत हो रही है। इसकी कई गाइडलाइन बनी हैं, WHO की तरफ से भी, ICMR की तरफ से भी गाइडलाइन बनी है कि जो हम रूटीन पहले जो एंटीनेटल चेकअप एडवाइज था जो करते थे उसका अभी इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन 11 से 13 हफ्ते के बीच में पहला चेकअप हो जाना चाहिए जिसमें आप चेकअप के साथ साथ अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, 17 से 18 के हफ्ते के बीच में दूसरा चेकअप होना चाहिए, तीसरा चेकअप जो है हम 28 वीक से या 24 से 28 के बीच में, स्पेशली जिसमें हम ब्लड शुगर करवाते हैं वो पीरियड होना चाहिए। इन तीनों पीरियड में अगर तीन बार भी मरीज हमारे पास आके दिखा गई है तो वो पीरियड हमारे पास काफ़ी सफिशियंट है कि हम उसको टीकाकरण भी कर सकते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, हम दवाइयाँ चाहें तो बदल सकते हैं। जैसे शुरू में हमें सिर्फ फोलिक एसिड देनी होती है लेकिन तीन महीने के बाद हम आयरन कैल्शियम ऐड कर सकते हैं, बच्चे की ग्रोथ देख सकते हैं और अगली ज़रूरत पड़ी तो 32-34 वीक्स में उनकी एक और विजिट हो जाएगी। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कभी भी आ सकती है, इमरजेंसी में देखा जाता है, पर रूटीन चेकअप के लिए जो ये चार जो हमने बताया है वो काफ़ी सफिशिएंट है। मैम, जैसे इस समय ज़्यादातर पैथोलॉजीज बंद हैं जी, और जो दूसरे शहर की हैं जो यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रही थी, चल रहा था, उनके लिए दिक्कत है, अगर वो इस बीच में अपने अल्ट्रासाउंड नहीं करा पा रही हैं, अपनी जाँचें नहीं करा पा रही हैं, तो वो कहाँ जाएं और किस टाइप से रहें? उनके लिए भी हम लोग, जैसे कि हम लोग आजकल फ़ोन पे भी एडवाइस दे रहे हैं, टेलीमेडिसिन का
उस पर भी जमाना भी आ गया और मजबूरी भी हो गई है जी। तो हमारी लाइन जो है हमेशा खुली रहती है, ओपीडी के दिन 9 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोग वहाँ बैठ के हर प्रश्न का जवाब देते हैं। उसमें हम यही कहते हैं कि अगर आसपास कोई अस्पताल सरकारी है या डॉक्टर खुला है तो वहीं से पे आप दिखा लीजिए, जरूरी नहीं हमारे अस्पताल है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इमरजेंसी है बहुत जरूरी है तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। मैम, हाई रिस्क वाली जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो क्या करें? अब हाई रिस्क तो नेचुरली वो हाई रिस्क ही है, उसमें भी हम लोग जैसे कि बहुत बार कभी कभी हम लोग को थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी मरीज को अस्पताल में रखना पड़ता था, लेकिन अब वो हम नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि एक तो सबसे बड़ी डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की है, हम ओवर क्राउडिंग कर नहीं सकते, लिमिटेड हमारे बिस्तर होते हैं और हम उनके रिश्तेदारों को के बीच में भी डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होती है तो बहुत भीड़ होने से उनकी डिस्टेंसिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से हम बहुत मरीजों को लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप बुला लेते हैं, उनको देख लेते हैं, उनको समझा देते हैं, फिर नेक्स्ट विजिट का समझा के उनको भेज देते हैं। पर जितनी फ्रीक्वेंट रूटीन में पहले होती थी उनसे अब काफ़ी विजिट को कम कर दिया गया है। मैम, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस समय डायबिटिक और ब्लड प्रेशर की महिला जो पेशेंट हैं वो हाई रिस्क पे हैं जी। अगर जिस महिला जो गर्भवती महिला है उसको दोनों ही चीज़ें हैं वो क्या सावधानी बरतें? अब अगर वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे चल रही हैं, पहले से उनका इलाज चल रहा है जी। तो जिस भी दवा से वो कंट्रोल है उसको लेते रहे। आजकल मशीनें आती हैं जो अपने आप ब्लड प्रेशर भी देख सकते हैं और ब्लड शुगर भी चेक कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो हफ्ते हफ्ते जाकर आसपास के किसी पैथोलॉजी से या डॉक्टर जो भी अवेलेबल हो वहाँ पे हर हफ्ते देख दिखा लें। जरा भी बहुत गड़बड़ लग रहा है, डाइट कंट्रोल से हो रहा है ठीक है, मेडिसिन से कंट्रोल हो रहा तो भी अच्छी बात है, अगर उनको लगता है इसके बावजूद भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो वो आके हमारे यहाँ से सलाह ले सकते हैं। हमारे एक दर्शक हैं जिनका पूछना है प्लेसेंटा प्रीविया के मरीज इस समय क्या करें? प्लेसेंटा प्रीविया तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, स्पेशली अगर ब्लीडिंग होने लग जाए। जब तक प्लेसेंटा प्रीविया में खेड़ी नीचे की तरफ होती है कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है, ऐसी कंडीशन में तुरंत तुरंत उनको अस्पताल पहुँचना होता है। नहीं तो जैसे कि उनका गर्भ पूरा हो रहा है, होना नॉर्मल डिलीवरी तो होगी नहीं क्योंकि प्लेसेंटा नीचे है, उनका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तो बेहतर ये है कि जैसे उनको लग रहा है कि उनका समय नज़दीक आ रहा है, 37-38 वीक्स हो रही हैं, जो भी डेट दी गई उसके आसपास पहुंच रही, तो अस्पताल आ जाए, उनका अस्पताल में ऑपरेशन से बच्चा उनका ऑपरेशन करा दिया जाए। मैम, जो महिलाएं आप नॉर्मल गर्भवती हैं इस समय और वो दवाएं ले रही थी और इस समय इस पीरियड में वो नहीं आ पा रही हैं, तो उनको आपकी तरफ से क्या सलाह है? अगर आसपास कहीं मेडिसिन की शॉप खुली हो, आयरन कैल्शियम उनको मिल सकती है तो वो अपना पुराना पर्चा दिखा करके ही आयरन कैल्शियम ले सकती है, लेकिन अगर जैसे बहुत गांव की मरीज हैं जहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं तो अपने खान पान में से गुड़ है, चना है, अंकुरित करके है, हरी साग सब्जी है, जो भी आसपास अवेलेबल हो वो उसको लें जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। अच्छा मैम, अभी तक तो हम गर्भवती महिलाओं के पूछ लिए पूछे थे जी। अब जिन महिलाओं को बच्चा हो गया है, जो महिलाएं मान लीजिए मार्च के लास्ट वीक में वो अपना ऑपरेशन करा के गई हैं, उसके बाद वो ट्रिक अपने स्टिचेस कराने नहीं आ पाई हैं, तो उनके लिए क्या आप कहेंगी? जैसे हम अपने ही अस्पताल की बात करें, हमारे यहाँ तो अभी भी इस लॉकडाउन के समय में भी 30-35 पेशेंट भर्ती हो जाते हैं, 17-18 ऑपरेशन होते हैं। इस कंडीशन में हमें बिस्तर तो हमारे भी लिमिटेड है जी। उसका पहले तो हम लोग कभी कभी एक बिस्तर पे डब्लिंग ही कर लेते थे, लेकिन अब हम डब्लिंग नहीं कर सकते, हमें डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होती है। इस चक्कर में जैसे ही हमारा 4th-5th दिन होता है ऑपरेशन का, ड्रेसिंग चेंज करके देख लेते हैं बिल्कुल मरीज ठीक है, घर जा सकती, तो हम उसको घर भेज देते हैं और साथ में ये एडवाइस देते हैं कि 8वें से 10वें दिन के बीच वो आसपास जो भी इनका चाहे नर्सिंग होम हो, चाहे PHC हो, चाहे CHC हो, कहीं पे जाके अपने स्टिचेस निकलवा लें। अगर महिला स्टिचेस नहीं निकलवा पाई है तो इसका कोई उसकी बॉडी पे इम्पैक्ट रहता है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि रोज नहाए धोएं उसको, और जब पानी गीला हो जाए तो उसको सूखे पानी से पोंछ करके उसको सूखा छोड़ दें। अगर टांके लगे भी रहेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए ऐसे क्षेत्र की जहाँ उनको कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो फिर वो हमारे पास आ जाएंगे, वो भी उनकी उसकी भी हम हेल्प कर देंगे, उसके स्टिचेस निकाल देंगे, लेकिन अभी इतने दिनों में कोई मरीज वापस स्टिच निकलवाने नहीं है, इसका मतलब वो अपने आसपास उनको इतनी हेल्प मिल जा रही होगी।
जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं जी, वो महिलाएं क्या अपने खान पान में किस टाइप से करें कि जिससे बच्चे और माँ को कोई दिक्कत ना आए? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, ऑपरेशन से भी हो सकता है, और आजकल चूंकि अब स्टेज 3 में हमें मालूम नहीं कि कौन सा मरीज कोरोना पॉजिटिव है कौन सा नहीं है, जरूरी नहीं कि वो सिम्टोमेटिक ही हो। इस कंडीशन में विशेष ध्यान रखना है, अपने चेहरे पे मास्क बांधना, मुंह पे मास्क बांधना है, कोशिश करिए कि बच्चे के मुंह पे भी मास्क बांधे, अगर फीड कराना है तो अपने मुंह पे मास्क बांध करके रखें, और बच्चे को हैंडलिंग में जरा ध्यान रखें कि आपके जो वेपर्स हैं, जो आपके एरोसेल्स हैं, वो बच्चे के पास के सांस की नलियों में ना जाए। क्यों? क्योंकि दूध पिलाने में, दूध में तो कभी इस तरह के कोरोना वायरस नहीं जाते हैं, लेकिन सांस से जा सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और दूध पिलाएंगी, अपना भी खान पान का ध्यान रखेंगे, बच्चे को भी खान पान का ध्यान रखेंगे, उसको भी ठीक से दूध पिलाएंगे। बस ये है कि वो प्रिकॉशन ले लें कि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। मैम, इस समय कोरोना पीरियड चल रहा है, तो आप लोग डिलीवरी के टाइम क्या क्या सावधानी बरतती हैं? डिलीवरी के समय हमें देखिए, हम लोगों ने जो अपने अस्पताल की व्यवस्था बना रखी है प्रोटोकॉल के हिसाब से, जो कि WHO की गाइडलाइन में भी, ICMR की भी गाइडलाइन में, WHO की गाइडलाइन में भी दिया गया है कि हमने एक अपना ट्रायल्स एरिया बना रखा। ऑब्स्टेट्रिक्स ऐसी चीज़ होती है, गर्भवती महिलाओं की इमरजेंसी ऐसी होती है कि हम उसको यहाँ वहाँ कहीं भेज नहीं सकते हैं, उसको हम कहीं भेज नहीं सकते। जैसे ही मरीज हमारे पास आता है, हमें उसका इलाज करना होता है, तो हमने एक आते एक ट्रायल एरिया बनाया है, जिस पर हम पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उससे बात करते हैं कि वो उस जोन से, रेड जोन से, जहाँ से हाई रिस्क वाले केसेस हैं वहाँ से तो नहीं आई है, फिर उसके हिसाब से हम उसकी थर्मल टेस्टिंग भी करते हैं, और जब अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इवन सस्पेक्टेड भी हम समझ रहे हैं, तो भी रूटीनली हम सारे मरीजों को जिनको भी भर्ती करते हैं, हम सबका कोविड टेस्ट भेजते हैं, फिर उसको हम लेबर रूम में रखते हैं, डिलीवरी है तो डिलीवरी कराते हैं, सिजारन की आवश्यकता है तो सिजारन कराते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमें लगता है कि नहीं, ये पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, उसके लिए हमने एक अलग से लेबर रूम और एक अलग से ऑपरेशन थिएटर बना रखा है। वहाँ पर अभी भी हमारा एक मरीज आया हुआ है जिसका ऑपरेशन चल रहा है, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर जो PPE होता है, वो पूरी PPE किट पहन कर ही उसका हम डिलीवरी कराते हैं, उसका सिजारन कराते हैं, और उससे पहले हम उसका सैंपल निकाल के भेजते हैं। अगर सैंपल निकालने का की बात आती है, तो उसमें भी PPE किट का इस्तेमाल किया जाता है, पूरा प्रिकॉशन लेकर के किया जाता है, उसका स्वाब निकाल के भेजा जा सकता है। दूसरा प्रश्न उठता है कि किस तरह की एनेस्थीसिया देनी चाहिए। इस समय जो जनरल एनेस्थीसिया है वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि उसमें लंग्स के थ्रू दिया जाता है, लंग्स में ऑलरेडी अगर इन्फेक्शन है तो डॉक्टर को भी फैल सकता है, आसपास के लोगों को भी फैल सकता है। तो इस कंडीशन में अगर ऑपरेशन की आवश्यकता होती है तो स्पाइनल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया को प्रेफर किया जाता है। डिलीवरी भी है, डिलीवरी भी हम करा सकते हैं, पर PPE किट पहन करके डिलीवरी कराई जाती है। जो बच्चे को लेता है वो भी PPE किट पहन करके ही बच्चे को हैंडल करता है, अगर पॉजिटिव केस है या इस तरह की हिस्ट्री है कि हमें लगता है कि ये पॉजिटिव होगा उन केसेस को। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया जो कोरोना पेशेंट जो पॉजिटिव है, क्या जो पॉजिटिव गर्भवती महिलाएं हैं, जो जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, क्या वो बच्चा भी पॉजिटिव हो सकता है? नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं देखा गया है, इतने सारे 3-4 महीने से स्टडी की जा रही है। मैंने अभी पहले भी शायद आपको बताया था कि शायद एकाध केसेस में ऐसा मिला है कि प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को हुआ है, लेकिन बेसिकली जो होता है वो सांस के द्वारा ही होता है, या एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वायरसेस प्रेजेंट हो वो उसके थ्रू जा सकता है। मैम, जो जो महिलाएं अपना इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रही थी जी, और वो इस समय मतलब प्रेग्नेंट हो गई हैं, उनके लिए क्या सावधानी बरतते हैं वो? उनके लिए सावधानी है कि जिन्होंने वो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के बाद आया है प्रेगनेंसी, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, प्लस उसमें काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ होगा जहाँ भी उन्होंने इलाज लिया है, तो जो भी उस डॉक्टर ने एडवाइस किया है उस दवाओं को कंटिन्यू करें। बाकी जैसे अर्ली प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड दी जाती है या सपोर्टिव ट्रीटमेंट चल रहा होता है उसको वो कंटिन्यू कर लें। तो ये थी डॉक्टर SP जायसवाल, जिन्होंने हमारे व्यूवर्स को की समस्याओं के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी दी है, बहुत ही सुरक्षित जानकारी दी है। सबसे पहली बात, जिन जो महिलाएं ये सोच रही हैं कि क्वीन मेरी में कोरोना वार्ड है, तो मैं आपको फिर से बताना चाह रही हूँ,
क्वीन मेरी के अंदर कोरोना वार्ड नहीं है, कोरोना वार्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर है, वहीं पे सारे पेशेंट्स को रखा जाता है जो सस्पेक्टेड होते हैं, उनके लिए अलग है वहीं पे, और सारी ही महिलाओं की यहाँ पे कोविड की जांच भी हो रही है, और सारी महिलाओं के साथ यहाँ पे डिस्टेंसिंग की भी व्यवस्था की हुई है डॉक्टरों ने। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, लेकिन डरिए नहीं, लड़िए। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है, और फिलहाल अभी लॉकडाउन का पालन करना। धन्यवाद। कल फिर आपके साथ किसी दूसरे डॉक्टर को लेके मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए IBN भारत।